मैंने अभी अभी फेसबुक में एक वीडियो देखी जिसमें आशीर्वाद कंपनी का आटा, अभी मैंने देखा कि उस बंदे ने आटे को मतलब पानी में धोया तो वो प्लास्टिक बन गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार इसको करके देखती हूँ, सच है झूठा या ऐसी अफवाह फैला रहे। तो मैं खुद आशीर्वाद आटा यूज करती हूँ, तो मैंने अभी करके देखा तो सच में ये प्लास्टिक निकला। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं आप लोगों के सामने एक बार करके दिखा रही हूँ। देखो मैंने आशीर्वाद आटे का एक गोली लिया है और इसको मैं देखो पानी में धो रही हूँ, और आप इसे देखिए, ये सच बात है कि हम लोग एक जहर खा रहे हैं जो हमारे शरीर में कैंसर बना रहा है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए इसको मैं पानी में धो रही हूँ, और ये देखिए आप लोग इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और इसको आगे से आगे पिलाइए। ये आशीर्वाद कंपनी का आटा है और मैं तो इसे इतने सालों से खा रही हूँ, अभी मैंने ये देखी है वीडियो, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी करके देखती हूँ, शायद है कि झूठ है। पर फ्रेंड्स ये सच में बिल्कुल सही है, और ये आटा अभी देखो आपको खुद को दिखेगा प्लास्टिक की तरह एकदम तैयार हो जाएगा। ये नहीं तो जैसे अगर जो आटा हम चक्की से पिसवाते हैं उस आटे को अगर हम ऐसे करेंगे तो एकदम बिल्कुल घुल जाएगा और गायब हो जाएगा वो, पर ये गायब नहीं हो रहा, ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह जैसे हो रहा है, जैसे एकदम चमड़े की तरह। आप इसे देखिए, ऐसे आगे से आगे शेयर कीजिएगा जैसे कि और लोग इसका यूज ना करें और उनके शरीर में ये इसका कोई कण ना जाए और उनके शरीर में कोई बीमारी ना बने। आप इसे देखिए अभी इसमें जितना जो थोड़ा सा आटा है जो इसमें लगा होगा वो अभी घुल रहा है और ये प्लास्टिक बनता जा रहा है, अब इसमें से बिल्कुल भी बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है आटा। अब देखिए बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, ये देखिए अब बिल्कुल ये साफ पानी आ गया है, और अब ये आटा बिल्कुल एकदम ये देखिए फ्रेंड, देखिए एकदम प्लास्टिक की तरह, देखो ये प्लास्टिक है, क्योंकि अगर ये असली आटा होता है तो कभी भी ऐसे प्लास्टिक तरह नहीं होता, इतनी देर में ये पानी में बिल्कुल घुल के खत्म हो चुका होता। तो ये देखिए ये हमारे शरीर में पॉइजन जा रहा है बिल्कुल, तभी तो हिंदुस्तान का एक एक इंसान आज बीमार है। थैंक यू फ्रेंड, और इसे आगे आप कहते हैं अन्न का आगे शेयर अपमान कीजिए। कभी नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोगों ने इसे खेल बना रखा है। उनका कहना है आशीर्वाद आटे में प्लास्टिक है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये लचीला पदार्थ प्लास्टिक नहीं, ग्लूटेन है, यानी व्हीट प्रोटीन। गेहूं का ये प्राकृतिक तत्व आटे को बांध के रखता है। आटे में व्हीट प्रोटीन होना ही चाहिए, ये नहीं तो आटा सही नहीं। सरकारी मानकों के अनुसार हर आटे में मिनिमम 6% व्हीट प्रोटीन होना जरूरी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों का भरोसा हम कभी नहीं टूटने देंगे। आशीर्वाद आटा, देश का नंबर 1 आटा।